हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अभी हम बनाएंगे छोटा मछली का रेसिपी, तो इसको अभी अभी लेके आए हूँ। ताज़ा वाला मछली है, देसी मछली है, तो इसको दिखा रहे हैं मछली। तो ये है मछली, छोटा मछली, इसको अभी फ्राई कर लेंगे धो करके अच्छी तरह से। इसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, उसके बाद धो लेंगे। अभी बारिश का सीजन है, बारिश हो रही है, तो अभी मछली सब निकलता है खेत से, देसी मछली। इसमें अभी पानी डाल देंगे, तो इसमें पानी डाल दिए हैं और अभी थोड़ा धो लेंगे। तो ये मछली सबको अच्छी तरह से धो लिए हैं और अभी इसको फ्राई करेंगे। और एक तो मछली ला दिए हैं, एक देवर जी ला दिए हैं, और ये वाला मछली लाए हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा वाला मछली। और इसको फिर से साफ कर लेंगे, सोनू के पापा साफ करेंगे। हाँ, इसको फ्राई करेंगे और इसको सोनू के पापा साफ करेंगे और इसको साफ करके इसको फ्राई करेंगे। एक दो मछली बनेगा, तो इसको फ्राई कर लेते हैं हल्दी पाउडर डाल करके। तो इधर अभी हल्दी पाउडर डाल करके अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इधर कढ़ाई गरम करके तेल भी डाल दिए हैं। तेल गरम हो चुका है और अभी इसको डाल देंगे, अभी मछली डालेंगे। तो मछली फ्राई हो रहा है और लाइन काट गया, इसलिए अंधेरा अंधेरा देख रहा है, मतलब लाइन नहीं है अभी। तो मछली फ्राई होकर तैयार हो गया, तैयार होने फिर से पार्टी कर देते हैं। और तो ये मछली सबको अच्छी तरह से फ्राई कर ली, कंप्लीट हो गया। और अभी दूसरी मछली सबको धो लेंगे, तो इसको फ्राई करके ही खाएंगे और फिर से नहीं बनाएंगे, तो रख देंगे इसको। तो सोनू यहाँ पे खाना खा रहे हैं स्कूल से आ करके, और हम लोग का लाइन कट गया है। लाइन तो नहीं कटा, इधर बॉल ख़राब हो गया है, इसीलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है।